नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में बुधवार को डाले गए वोटों की गिनती आज हुई। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भीड़ जमा होने से रोकने के लिए केंद्र के बाहर बैरिकेडिंग की गई, जिसके पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पास से सिर्फ उसे ही केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया गया जिन्हें अनुमति थी। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवस के बिहार दौरे पर आए थे। वो पटना से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें विदा किया। इससे पहले आज सुबह महामहिम राष्ट्रपति राजभवन से पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे थे। बिहार की राजधानी में स्थित पटना के वेटरनरी ग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर देखा गया। इस हेलीकॉप्टर के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि हेलीकॉप्टर पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का है। वो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने आए हुए हैं। देश के गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का आज 57वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर गृहमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बधाई संदेश में लिखा, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आने वाले त्योहारों में मेड इन इंडिया से बनी चीजों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले त्योहारों का मौसम इस उम्मीद को और ताकत देगा। उन्होंने कहा कि एक जमाने में विदेशी सामान का बहुत अधिक क्रेज था, लेकिन आज मेड इन इंडिया की ताकत बढ़ी है। मुंबई में करी रोड स्थित 60 मंजिला अपार्टमेंट में शुक्रवार को आग लग गई। बिल्डिंग लालबाग इलाके में स्थित है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। आग 60 मंजिला अविघ्न पार्क बिल्डिंग के 19वें माले पर लगी थी। दूर से ही धुएं का गुब्बार देखने को मिला था। राहत और बचाव दल घटनास्थल पर हालांकि पहुंच गए थे। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल बसीत ने कहा है कि विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ संयुक्त अरब अमीरात का समझौता ज्ञापन भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। जियो न्यूज की रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार एमओयू पाकिस्तान को अधिक इसलिए भी नाखुश कर रहा है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात की ओआईसी में एक शक्तिशाली उपस्थित है जो वर्तमान में 56 देशों का गठबंधन है, जिसमें इस्लाम राज्य धर्म के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर शनिवार को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। शाह के दौरे के मद्देनजर सिक्योरिटी अलर्ट के बीच श्रीनगर में दर्जनों ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। वो क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों की याद से ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने ताइवान पर अमेरिका के पुराने रुख से अलग लाइन लेते हुए ये बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, तो बाइडेन ने कहा, हाँ, ऐसा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विराट कोहली को आउट करना मुश्किल माना जाता है। उनके फैंस दुनिया भर में है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक खुलासा किया है। अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान में बेशक विराट के फैंस हैं, लेकिन एक और भारतीय बल्लेबाज है जो उनके देश में विराट के जैसा पूजा जाता है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने दिसंबर में होने वाले आगामी चुनाव को समर्थन दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दबीबा ने गुरुवार को राजधानी त्रिपोली में आयोजित लीबिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में एक भाषण के दौरान ये टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के पूर्व एमडी मनीष महेश्वरी को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जाहिर करते हुए दिया है। यूपी सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की 61 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। करी रोड पर स्थित अविघ्न पार्क इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे थे। इस बीच एक शख्स की 19वीं मंजिल से कूदने से जान चली गई है और कहा जा रहा है कि आग लगने से दहशत में आए शख्स ने 19वां मंजिल से छलांग लगा दी थी। चीन के अरबपति जैक मा के एंट ग्रुप के निवेश वाली ये कंपनी दिवाली के आसपास आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। पेटीएम का आईपीओ 16,600 करोड़ रुपए का होगा, लेकिन वैल्यूएशन में मतभेद के चलते कंपनी 2,000 करोड़ रुपए की प्री आईपीओ सेल से किनारा करने पर विचार कर रही है।
अगर आप अगले साल हज यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज पर जाने के इच्छुक लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी होगी। नकवी ने बताया है कि हज 2022 की पूरी प्रक्रिया भारत और सऊदी अरब की सरकारों की तरफ से तय कोरोना संबंधी दिशा निर्देश के तहत होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के पूर्व एमडी मनीष माहेश्वरी को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जाहिर करते हुए जारी किया है। यूपी सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जा प्रमुख पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। पटना में उनकी भक्त चरण दास से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद भक्त चरण दास ने कहा कि पप्पू यादव के समर्थन से कांग्रेस को चुनाव में मजबूती मिलेगी। भक्त चरण दास ने राजद पर महागठबंधन को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भी राजद के साथ कोई सीट साझा नहीं की जाएगी। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दक्षिण कोरिया के मुख्य प्रवेश द्वार इंचोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले दो महीने में अपना लिविंग विद कोविड-19 योजना के लिए देश में उथल पुथल के बीच इनबाउंड आउटबाउंड यात्रियों की संख्या में तेजी से सुधार देखा है। इंचोन के माध्यम से जाने या उतरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या एक साल पहले की तुलना में 44% बढ़कर अगस्त में 3,38,000 हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदे तब याद रखें कि मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 23,00,000 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ड्रग्स मामले को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रही है और अब इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे का नाम भी शामिल हो गया है, जिसमें एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वहीं बीते कई दिनों से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। अब अनन्या पांडे और आर्यन के बीच हुई बातचीत सामने आई है, जिस पर अनन्या ने सफाई दी है और कहा है कि वो आर्यन के साथ मजाक कर रही थी। पीएम मोदी ने वैक्सीन के 100 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को लेकर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्यौहार नजदीक है। पिछले साल दीपावली पर देश में कोरोना को लेकर एक भय का माहौल था, इस बार स्थिति सकारात्मक है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का अभी भी पालन करना होगा। वैक्सीन के बाद भी उन्होंने चेताते हुए कहा कि कवच कितना भी मजबूत हो, युद्ध चल रहा हो तो हथियार नहीं डाले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर तक सुनवाई टाल दी है। इस मामले में ममता बनर्जी सरकार ने केस दायर करते हुए कहा था कि सीबीआई ने बिना राज्य सरकार से अनुमति दिए ही जांच शुरू कर दी है, जबकि कानून के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी को अनुमति लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान में महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसको लेकर अब पाकिस्तान के इमरान खान हुकूमत विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब प्रांत के 11 शहरों में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद 13वें दौरे की कमांडर वार्ता के बीच भी नहीं सुलझा है। हालांकि इस महीने दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना हर खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में हो रहे 3 विधानसभा क्षेत्रों में 1 लोकसभा के उपचुनाव का प्रचार का रंग गहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गैरहाजिरी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह खुद प्रचार करने नहीं जा रहे हैं अथवा ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। महंगे पेट्रोल डीजल से सिर्फ हम भारतीय ही परेशान नहीं है, बल्कि तेल की आग पड़ोसी देशों को भी झुलसा रही है। श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अनुषंगी लंका आईओसी ने वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। लंका आईओसी ने श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के खुदरा कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी गुरुवार आधी रात से लागू हो गई है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य लोगों की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। शाहरुख बृहस्पतिवार को अपने बेटे आर्यन खान से मुंबई की आर्थर रोड जेल में मुलाकात करने भी पहुंचे थे। बुधवार को ही अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 231 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को साझा किए हैं। कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में हुई मौतों से कुल संख्या बढ़कर 4,53,042 हो गई है। बता दें कि देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे एक निजी एयरलाइन के विमान को उसमें सवार 50 वर्षीय मनोज अग्रवाल की तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार रात इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। हार्ट अटैक के शिकार इस यात्री को हवाई अड्डे के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अमेरिकी संसद की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगभग 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन करता है और 13 मैक तक की गति का परीक्षण करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि चीन ने भी हाल ही में परमाणु संपन्न हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कांति कुमारी, ओमकार सिंह, भगवान मिश्रा, राजेश सोंथिया, राजेश कुमार, भोला चौधरी, सनी कुमार, विकास कुमार, गजेंद्र सिंह, अंदिल रेजा, सर्वेश कुमार, संजय कुमार, मोहम्मद एजाज, फूलदेव महतो, शकीला खातून। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारत के जीतने की संभावना है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।